साला कप नाम दे या ना दे, लेकिन इज्जत जो है वो पूरी दे, क्योंकि आरसीबी अब डिमांड करने लगी है कि भैया हमको चाहिए फुल इज्जत, और नहीं दोगे तो तुम्हारे प्लेऑफ में हम रोड़ा अटका देंगे। आरसीबी का ये कॉन्फिडेंस जो है ये बनता है क्योंकि आरसीबी वो पहली टीम बन गई है जिसने एसआरएच को हैदराबाद में हरा दिया है। एसआरएच अपने घर में हारती नहीं, और एसआरएच कितनी तगड़ी टीम है वो सब जानते हैं। मैच से पहले मजाक उड़ रहा था कि एसआरएच वाले 300 ठोकेंगे का मीम्स बन रहे थे कि आज मौत से अपनी अपॉइंटमेंट है, लेकिन सारा खेल पलट दिया। हालांकि ये भी बड़ा दिलचस्प है कि आरसीबी ने पिछला मैच जो है 25 मार्च जीता था, पहला मैच पंजाब के सामने, और अब एक महीना बाद जब 25 अप्रैल है तब आरसीबी अपना दूसरा मैच जीत रही है। लगातार 6 मैच आरसीबी हारी है, इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं हमको चाहिए फुल इज्जत, और फुल इज्जत ले रहे हैं। इस आईपीएल की सबसे खतरनाक टीमों में से एक एसआरएच को उन्होंने हराया है, और 250वां मैच जो है वो अपना ऐतिहासिक कर दिया है। अगर एसआरएच जीतती तो वो नंबर 2 पर जाती, लेकिन एसआरएच को हरा कर फिलहाल ये टीम जो है ये बेहतर हो गई। एसआरएच के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि अगला मैच चेन्नई से चेन्नई में है, राजस्थान जो कि नंबर 1 टीम है उससे हैदराबाद में है, और फिर एमआई से उसके घर में है जहां पर भी मुकाबला इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो एसआरएच जिसने इस मैच में जोर नहीं लगाया वो उसे अगले मैच को अगर जीतना है तो जोर लगाना पड़ेगा। हालांकि एसआरएच इस मैच में पूरे जोन में नहीं थी, या कहें कि आरसीबी जो है वो शुरू से हावी थी। आरसीबी गेंदबाजों ने इस मैच में टिकने नहीं दिया, ट्रेविस हेड का विकेट आते ही गिर गया, क्लासन जो है वो आउट हो गए, माकरम चले नहीं, एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जो ठीक ठाक चल रहा हो। थोड़ा बहुत अभिषेक शर्मा ने हाथ पांव लगाए, 12 बॉल 31 रन बनाए, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। नीचे शहबाज ने थोड़ी पारी खेली, कुछ शॉट पैट कमिंस ने लगाए। मैच जब तक माहौल बनता तब तक मैच खत्म हो चुका था। आरसीबी के गेंदबाज जिन्हें लोग शैतान समझ रहे थे वो देव मानुस निकले। आरसीबी वाले खुद कह रहे हैं कि यार तुम कहाँ थे, तुम्हें कितना गलत हम कैसे सोच सकते हैं। सिराज की इकॉनमी शानदार थी, यश दयाल कमाल कर रहे थे, करण शर्मा जो है वो अद्भुत थे, स्वप्निल बढ़िया गेंदबाजी करते। सो ओवरऑल इस मैच में वो हो रहा था जो किसी ने उम्मीद नहीं किया था। इस मैच से पहले अगर आप किसी से पूछते तो सारी चीज़ें अलग आती, मतलब अगर आप किसी की भी कोई टीम बनाने कहते तो हर आदमी आंख मूंदते कहता कि ये मैच तो एसआरएच जीत रही है, लेकिन एसआरएच की हार हुई है, और इसी वजह से आईपीएल जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग बना हुआ है। इस मैच में विराट कोहली ने 51 रन बनाए 43 बॉल पर, और थोड़ा सा उनके स्टार्ट को लेकर सवाल जो थे वो चल रहे थे, क्योंकि शुरुआत में वो तेज़ खेले, बाद में 27 बॉलों पर 19 रन बनाए, और बड़ी बात ये कि 5 ओवर 3 गेंद पर चौका मारने के बाद 15 ओवर तक चौका नहीं मारा, तो वो एक थोड़ा सवालिया निशान था। बट इस मैच में रजत पाटीदार कमाल थे, 18 बॉल पर शतक उन्होंने लगाया, वो एक बढ़िया शानदार था। पैट कमिंस ये पहला मैच है जिसमें 50 प्लस रन पिट कर आए, तो कमिंस जो अब तक सबको साइलेंस कर रहे थे वो इस मैच में काफ़ी ज़्यादा पिटे हैं, और उनकी टीम हारी है। इस मैच में पाटीदार जो थे जलवा जलाल था। पाटीदार बीचे कुछ मैचेस में फॉर्म में आ गए, 19 बॉल ने 50 रन एसआरएच के सामने, 21 बॉल 50 रन केकेआर के सामने, और 26-50 एमआई के सामने। तो पाटीदार धीरे धीरे आरसीबी के लिए एक एसेट बन रहे हैं, और मेगा ऑक्शन से पहले वो मजबूर कर रहे हैं कि आप उन्हें रिटेन कीजिए, वो अच्छा खेल रहे हैं। पाटीदार की बल्लेबाजी शानदार थी, और सब कुछ उन्होंने किया जो इस मैच में करना था। खासतौर पर मयंक मार्कंडे के सामने जो 4 छक्के मारे थे वो इस मैच में बढ़िया था। जयदेव उनदकट इस मैच में अच्छी गेंदबाजी उन्होंने भी की, विराट कोहली का विकेट निकाला, पाटीदार का विकेट निकाला, लोमरार का विकेट निकाला, और उनके लिए ये स्पेशल दिन था क्योंकि 100वां आईपीएल का मैच था, 4 ओवर 3 विकेट 30 रन देकर, बढ़िया था। बट ओवरऑल एसआरएच को ये कंसीडर करना पड़ेगा कि गलतियां कहां पर हुई हैं, क्या वो पूरी तरह से अपने टॉप 3 टॉप 4 पर निर्भर हैं, क्या माकरम को रिप्लेस करके किसी और की जगह बन सकती है इस टीम में, ये कई सारे सवाल हैं जो एसआरएच के सामने हैं। एक बुरा मैच वो बुरी टीम नहीं बनाता, लेकिन एसआरएच के सामने अगली 3 चुनौतियां मुश्किल हैं। उधर आरसीबी कह रही है हमारा कुछ नहीं है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे, प्लेऑफ में जाने के लिए बहुतों के रास्ते में कांटे उड़ेल देंगे।